वीडियोस अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एडमिन पैनल में जाना है और यहाँ पे आपने यूज़र नेम पासवर्ड लगाने के बाद में पहले कैटेगरी ऐड करनी है। तो चलिए कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। कैटेगरी पे क्लिक करके न्यू कैटेगरी, कैटेगरी का नाम लिख देते हैं जैसे इमोशनल कैटेगरी। यहाँ पे आप फनी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। सेलेक्ट इमेज पे करके एक इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं अभी इमोशनल में अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, आप दूसरी कर लेना और सेव कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। फिर हम नीचे लैंग्वेज में जाके एक एक या दो लैंग्वेज बना लेते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल वगैरह जो भी आप चाहते हैं। हिंदी सेलेक्ट फ्लैग, आपको हिंदी है तो इंडिया फ्लैग डाल लीजिए या हिंदी नाम लिखा हुआ ऐसा कुछ भी डाल लीजिए। इमेज अभी मैं ये डाल रहा हूँ, आप बाद में हिंदी ही डाल लेना कुछ भी। यहाँ पे एनेबल्ड ऑप्शन है, इस पर आपको ज़रूर क्लिक करना है। सेव द लैंग्वेज, चलिए हिंदी लैंग्वेज हो गई, कैटेगरी हो गई। अब वीडियो सेक्शन में जाइए और न्यू वीडियो पे क्लिक कीजिए और टाइटल लगाइए बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस कुछ भी दीजिए। और यहाँ पे आपको इमेज सेलेक्ट करनी है जो कस्टम थंबनेल कहते हैं, जिसको ऐसा मतलब आपका वीडियो ऐसा दिखता है। और जैसे मैंने ये इमेज ले ली, ये ले ली और इसमें इसी इमेज का एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप इमेज वीएलसी मीडिया प्लेयर से या किसी भी स्क्रीनशॉट सॉफ्टवेयर से इमेज ले लेना। और ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एनेबल्ड पे क्लिक करना है और जो भी वीडियो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करनी है और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और सेव पे क्लिक करना है। और छोटा ही वीडियो आपको अपलोड करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि ये व्हाट्सएप स्टेटस के लिए होते हैं और वो ज़्यादा अलाउ नहीं है, है ना। और आपको 30 सेकेंड के लगभग ये वीडियो करना है और जो एमबी में भी छोटा हो तो यूज़र के पास सही लोड हो सके। ये जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो एक नए पेज में आ जाएगा वीडियो, ये आ गया है यहाँ पे। चलिए एक वीडियो अपलोड हो गया, अब न्यू वीडियो पे क्लिक करके आप नया वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इतना ही है और कुछ नहीं है यहाँ पे।